पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। जब भी हम ये स्लोगन सुनते हैं तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और जब से कोरोना आया है पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है। भारत के आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इंटरनेट तो क्या, मोबाइल सर्विस भी नहीं है। इस वक्त मैं हूँ पाकिस्तान इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास अब्दुलिया गाँव में, जहाँ इंटरनेट तो क्या, मोबाइल सर्विस भी नहीं है। मेरे हाथ में ये मोबाइल है, इसमें नो सर्विस का साइन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की सर्विस तो क्या, मोबाइल सर्विस भी नहीं है। बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं इस पैंडमिक टाइम में, जानते हैं लोगों से कि कितनी मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है उनको, बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि इंटरनेट आजकल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हो चुका है, बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं सुरेश जी, जहाँ पर मोबाइल सर्विस तो क्या, इंटरनेट भी नहीं है, तो कैसे बच्चों की पढ़ाई चल रही है? ऐसे ही वाईफाई लगाए उनका, कोई टावर नहीं आता सही, ऐसे ही पढ़ाई बच्चों की ख़राब ही है थोड़ा। स्कूल भी 2 साल हो गए लगे हुए, ये स्कूल है प्राइमरी 2 साल से बंद ही है, आगे पीछे जो स्कूल हैं वो बंद ही हैं, तो पढ़ाई बच्चों की ख़राब ही हो रही है। तो जब कभी इंटरनेट नहीं चलता, या जैसे आप बता रहे हैं आपने यहाँ पर वाईफाई लगाया है, तो वाईफाई की सर्विस जब कभी नहीं चलती तो कैसे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं? कोई नहीं, फिर उनका मिस हो जाता है पीरियड पूरा, उस दिन पढ़ाई नहीं होती फिर मिस ही हो जाते हैं उनके पीरियड जो होते हैं वो पूरे ख़राब हो जाएंगे बच्चों को। गवर्नमेंट आए पूछे किसी को तो फिर ये ऐसे क्या करना है, बस यही दिक्कत है थोड़ी, बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ख़राब हो रही है कोरोना की वजह से, 2 साल से ज़्यादा हो गया होगा अभी, तो बच्चे बिल्कुल घर में बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे तो फिर ऐसे इनकी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो बड़े हैं उनका थोड़ा भी क्लासें चढ़ती जा रही हैं उनको पढ़ाई के बिना भी, थोड़े 10वीं 12वीं वाले ऐसे ही पास होते जा रहे हैं, ये छोटे बच्चों की पढ़ाई तो बिल्कुल ख़राब है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से, गोल्डी मसाले जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। बाकी तो चल जाता है, बच्चों की जो पढ़ाई है ना पिछले 2 साल से बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई जीरो हो गई है। यहाँ पे फ़ोन का सिग्नल नहीं आता, नेट बिल्कुल नहीं चलता, बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके माँ बाप पीछे लेकर जाते हैं, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे उनको पढ़ाई कराने के लिए, बाकी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है नेट की। बट हमने फिर भी एक चिट्ठी लिखकर MP साहब को दे दी है, जब कोई भी हमारी मीटिंग होती है हम जाते हैं वहाँ पे, ये प्रॉब्लम हम जरूर रखते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया भी थोड़े दिन तक ये इसका टावर वगैरह का मैनेजमेंट हो जाएगा और इसकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। सर बॉर्डर बेल्ट है तकरीबन सब में प्रॉब्लम है, कहीं कहीं नेट आता है, थोड़ी देर के लिए टावर आते हैं, बातचीत हो जाती है, बाकी गाँव के बच्चे फौज में हैं, बाहर कोई सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उनका फ़ोन पर कनेक्ट करना घर में बहुत मुश्किल है, तो कभी कभी हो जाती है बात, उन्हें तो लगातार बात नहीं होती। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सपा चल। बच्चे घर में घूम रहे हैं बेले, कोई गवर्नमेंट की इधर नेट नहीं चलता है, BSNL का आता है टावर, सिर्फ सिग्नल आता है वो भी फ़ोन करने के लिए, नेट का कोई नहीं बंदोबस्त। आजकल सभी स्कूलों में पढ़ाई नेट पर चल रही है, हमारे इधर ऐसे ही गाँव में बच्चे घूम रहे हैं, कोई स्कूल नहीं लग रहे, कुछ नहीं, अभी तो ऑनलाइन हो गया सभी कुछ, ये पहले भी ऐसे ही था, ऐसे ही कभी मकान के ऊपर चढ़ के टावर आए सिग्नल आए तो बात कर लेते हैं फ़ोन, बाकी कुछ नहीं। जहाँ हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और हर काम को ऑनलाइन करना पसंद करते हैं, वहीं ये गांव अब्दुलिया आज भी इंटरनेट सर्विस और मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित है। कैमरामैन बुजुंदर खजूरिया के साथ मैं नीतू सिंह, JK News Today, अब्दुलिया। We'll be right back.